अस्सलामु अलैकुम, आप सबको एक्सप्रेसो गुड मॉर्निंग मुबारक हो. व्हाट वाज इट? I thought एक्सप्रेसो मॉर्निंग मुबारक. आई थॉट यू वर अबाउट टू से आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक. मुझे ऐसी वाइब आई कि आपको ऐसी वाइब मेरे से कैसे आ सकती है? मतलब सब आई डोंट नो बट यू स्टार्टेड दिस वे. खैर, मैं इमरान हसन हूँ. मेरा नाम बताएं, इंट्रोडक्शन करो ना. मेरा नाम बताएं. शी स्टार्टेड इट हरसेल्फ कि मैंने करना. खैर, शी इज अमला हसन. आई एम इमरान. हां, अमला. अच्छा, वैसे मैं आज सुबह सुबह बहुत तारीफें सुन रही हूं, तो आप भी थोड़ी सी कर सकते हैं. किसकी? अपनी जाहिर है. और किसकी? मतलब कह के कौन कराता है तारीफें? अच्छा, इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक है. व्यूअर्स आर वॉचिंग और अपनी सुबह का आगाज कर चुके हैं. इट्स वेंसडे. आज वेंसडे. यस, इट्स अ मिड ऑफ द वीक. हाँ बिल्कुल, आज बुध है और वीक का मिड है. और इस लीव के साथ कि आपका आज का दिन भी बड़ी मुस्बत सोच के साथ शुरू हुआ. अगर नहीं हुआ तो फिर कोशिश करें शुरू कर लें. और अगर दिल में कोई भी बात ऐसी चल रही है जो आपको तंग कर रही है, कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि एक चीज़ को इतना ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा करते हैं कि वो चीज़ उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है. सो स्टॉप यू नो थिंकिंग यू नो थिंग्स मोर एंड मच. सीरियसली ज़्यादा मत सोचिए. ये मैंने दिल पे लिया बात, लेकिन कोई बात नहीं. इस बात को मैं भरपूर अंदाज में इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती हूँ और आपको बताएंगे कि आज के शो में बहुत कुछ है, सेगमेंट्स है और सियासत की बातें. और सबसे इम्पोर्टेंट कोविड की बात हमने लाजमी करनी है. जब हम हेडलाइंस भी आज देख रहे थे और हमें लग रहा था कि कोविड की सिचुएशन पे हम सबको खौफजदा होने की ज़रूरत है. अभी तक हम दूर दराज सुन रहे थे, लेकिन इट्स लाइक वेरी नियर. बहुत करीबी लोगों के बारे में सुन रहे हैं कि उनको कोविड हुआ और पूरी फैमिलीज में रिकॉर्ड ब्रेक हो गया. 102 अफराद एक 24 घंटों के अंदर या एक दिन के अंदर उनके जान बाँक होने की खबरें आई है. 101 अफराद इससे पहले, आज से तकरीबन एक साल पहले ये खबर आई थी और अब ये दोबारा से. और कल तो 4000 से भी ज्यादा लोग रिपोर्ट हुए. 5600 से ज्यादा बच्चे सिर्फ इस्लामाबाद में कोविड से मुतासर हो चुके हैं अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक. सो अब आपको जो जिम्मेदारी दिखानी है वो सिर्फ अपने लिए नहीं दिखानी है, वो बच्चों के लिए भी दिखानी है. पहले हम लोग बच्चों को शादी की तकारीब में लेके जा रहे थे, मार्केट्स लेके जा रहे थे, रेस्टोरेंट्स लेके जा रहे थे जो कि बच्चे जिद करते हैं, या पार्क्स के अंदर भी. लेकिन अब बच्चों के हवाले से ज्यादा केयरफुल होना है. और ये 5600 से ज्यादा बच्चे जो है इनकी जो उम्र है वो 1 से लेकर 10 साल तक. सिर्फ इस्लामाबाद में पॉइंट ऑफ व्यू है, सिर्फ इस्लामाबाद में ही. हम पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करें. सो बच्चों के हवाले से भी केयरफुल रहने की जरूरत है. कल हम पढ़ भी रहे थे कि आपने बच्चों को गैर जरूरी तौर पे प्यार करने से भी इज्तनाब करना है. हाथों को साफ रखें, क्योंकि बच्चों को ये जो यूके वेरिएंट है या स्ट्रेन की हम बात करें, ये बच्चों में भी उसी तरह से असरअंदाज हो रहा है जिस तरह से बड़ों में तेजी से फैल रहा है. पहली वेव में एटलीस्ट ये था कि बच्चे इतने ज्यादा मुतासर नहीं हो रहे थे, पर ये अब बहुत अलार्मिंग बात है. इस हवाले से हमने डिटेल बात करनी है, लेकिन आगाज में आपको बता देते हैं हेडलाइंस. वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय मनसब को जवाबी खत. कोरोना की तीसरी लहर ने तबाही मचा दी. अस्पताल मरीजों से भर गए, बेड्स और वेंटिलेटर्स पर जगह तकरीबन खत्म. आर्मी चीफ से यूरोपीय यूनियन डेनमार्क के सफीर और कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात. बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खत्ते की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल. शहर कायद के बासियों के लिए अच्छी खबर. वजीर ट्रांसपोर्ट सिंह ने पहली इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह कर दिया. टिकटॉक वीडियोस बनाते वक्त हादसा क्यों हो जाता है? वजूहात जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में. बच्चों के हुकूक के लिए सरगर्म गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाली माजिदा फहमी होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान. आज के हेडलाइंस में क्या है ये तो आपने जाना, लेकिन हेडलाइंस के अलावा भी एस बी से हमारे पास कुछ एक दो बहुत ही अच्छे सेगमेंट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करेंगे. आपको अच्छा लगेगा उनको भी देखकर. सबसे पहले हम आगाज कर लेते हैं आज की बड़ी खबर से. बड़ी खबर में बात करेंगे कोरोना वबा की. तो तीसरी लहर ने कई इजला में तबाही मचा दी है. कोरोना के यौम केसेस 4000 से तजावज कर गए हैं और अमवात भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी हैं. वजीर आजम के बाद सदर आरिफ अलवी, वजीर दिफा परवेज खटक और साबिक वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख समेत कई अहम शख्सियात कोरोना का शिकार हो गई हैं. इस लहर में जैसे हमने पहले भी कहा, बच्चों में भी बड़ी तादाद कोरोना से मुतासर हो चुकी है. इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अस्पताल मरीजों से भर गए हैं, बेड्स और वेंटिलेटर्स तकरीबन खत्म हो चुके हैं. और कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल पर पंजाब में हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 5% से ज्यादा शरा वाले अजला में सख्त पाबंदियां भी लगा दी. बिल्कुल, और तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए हैं. कराची की हम अगर बात करें तो जिला वस्ती के मजीद 3 सब डिविजन्स में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है. सिंध कंपेरेटिवली कम मुतासर नजर आता है इस वेरियंट से, इस वेव से. मुतासर इलाकों की हम अगर बात करें तो उसमें तमाम कारोबारी सरगर्मियां इस वक्त मुअत्तल हैं. NCOC ने SOPs पर अमल दरामद करने को गैर तसली बख्श करार देते हुए सूबों को इस पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की है.
वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना की बिगड़ती सूरत-ए-हाल पर आज NCOC का अहम इजलास बुलाया है, जिसमें अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। और वैक्सीनेशन की बात करें तो 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। खुशखबरी की बात भी इसमें है और वो ये है कि गवर्नमेंट की जानिब से खरीदी गई जो वैक्सीन है उसकी 60,000 जो डोजेज हैं वो पाकिस्तान पहुँच गई हैं। बिल्कुल, असद उमर साहब का कहना है कि एप्पल के वस्त तक 30 लाख खुराकें मिल जाएंगी। और इसी सूरत-ए-हाल पर हम बात करेंगे, हमें सूबाई वज़ीर-ए-सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। हम सबसे पहले वज़ीर आज़म की बात करेंगे, तो कोरोना टेस्ट कराए बगैर सियासी सरगर्मियों का आगाज़ किया। नो डाउट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उन्होंने ड्यूरिंग कोविड भी कुछ अहम इजलास किए थे। क्या ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस प्रेजिडेंट इससे बरी जिम्मा है या 14 दिन का प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल, और उसमें 14 दिन की जो क्वारंटीन के बाद जो इमरान खान साहब हैं वो मामूल की सरगर्मियाँ जारी रख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जहाँ तक ताल्लुक मेरी शुनीद है, उनका टेस्ट हो चुका है और तो टेस्ट उनका नेगेटिव ही आया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सहकर्मियाँ जो। अच्छा, चलें, आपकी इतलाह, वैसे ऑफिशियली कुछ ऐसा हुआ नहीं, अगर ऑफिशियली आ जाए तो अच्छा है, लेकिन ये तो हम पुरानी बात कर रहे हैं और ऐसा हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जो कि नहीं होना चाहिए था। NCOC के सरबराज असद उमर साहब हैं, उनकी जानब से सुबह को एक खत डॉक्टर साहिबा सामने आया है कि वो SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराएं, तो क्या असद उमर की हिदायत से ये समझा जाए कि सुबह SOPs पर अमल दरामद कराने में इस वक्त नाकाम नजर आते हैं? ओवरऑल तो सिचुएशन बड़ी गंभीर है, तो इस खत का हम क्या मतलब लें? अब मेरा ख्याल है जो अहम बात यह है कि SOPs की जब आप बात करते हैं, जैसे कि मास्क पहनना, हाथों को बार बार धोना, इसके ऊपर हुकूमत ने अब तक अपना नरम रवैया रखा था। अब वो चाहते हैं कि हुकूमत सख्त रवैया रखे। वजह यह है कि SOPs जिनका कह रखा है उनको प्रॉपर प्रैक्टिस किया जाए। अगर वो नहीं प्रैक्टिस किए जाएंगे तो जहाँ जिस इलाके के अंदर वो SOPs नहीं प्रैक्टिस कर रहे वहाँ उनको लॉकडाउन करना पड़ेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इजाज़त दी हुई है कि आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ 6 बजे तक कंटिन्यू करें और SOPs के साथ कंटिन्यू करें, तो अगर उसके खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त सज़ा दी जाएगी और FIRs भी लिखी जाएंगी। ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं बार बार कि आपकी जान बहुत कीमती है, आप मेहरबानी करके अपनी जानों से मत खेलिए। मास्क पहनने से, हाथों को बार बार धोने से, घर से सिर्फ तब निकलें जब बहुत ज़रूरी हो, इसके अलावा अपने घर के बुज़ुर्गों की वैक्सीनेशन करवाएं। इस वक्त हमारे पास वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है जी। हमने 126 सेंटर बनाए हुए हैं, तो ये सारे इकदाम उठाएंगे तो हम मिल के ये जंग जो है इस कोरोना के खिलाफ। आपने सेंटर के हवाले से तो कहा, वैक्सीन सेंटर्स तो मौजूद हैं 126, आपने नंबर भी मेंशन किया, मगर वैक्सीन की अदम फरामी के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है? और सूबा पंजाब की हम स्पेसिफिकली बात करें तो ज़ाती तौर पर वैक्सीन खरीदने के लिए क्या इकदाम करें सूबे की जो इंतजामिया है? पहले मेरे पास तो किसी सेंटर से खबर नहीं आई कि वैक्सीन नहीं मिल रही, और कल के दिन के अंदर भी 16,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। आज हमें शाम को पता चल जाएगा कितनी वैक्सीन, अब हमारी कोशिश है उसको बढ़ा के 23,000 पे ले जाएं। वैक्सीन की कल और परसों के दरमियान में 10 लाख की और डोजेज जो हैं वो पाकिस्तान आ रही हैं चाइना से। कॉन्साइनो ने आज अपनी 60,000 की डोजेज भेज चुके हैं जो सिंगल डोज वैक्सीन है। इसके अलावा हमारी शुनीद है कि फेडरल गवर्नमेंट ने 70 लाख डोजेज खरीदी हैं साइनोफार्म से और कॉन्साइनो से, जो इंशाल्लाह अप्रैल के महीने में डिलीवर हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल है ये इस तरह की खबरें उड़ाना बहुत ज़्यादती होती है, और मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेहरबानी करके जो हमारे सेंटर्स हैं वहाँ तशरीफ़ लेके जाएँ। असल में कोड नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिन लोगों के पास कोड नंबर नहीं होता उनको इनकार कर दिया जाता है। हमने यहाँ पंजाब के अंदर 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो उनको इजाज़त दी हुई है कि आप बगैर कोड नंबर के आएँ, लेकिन जिनकी उम्र 65 से कम है वो मेहरबानी करके अपना कोड नंबर लेके आएँ। और इसके अलावा 50 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को आप उनको रिक्वेस्ट किया कि आप अपने आप को रजिस्टर करना शुरू करें ताकि आपको भी कोड नंबर मिले, और पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह अप्रैल के महीने में ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक है। अच्छा, हमारी इतला के मुताबिक तकरीबन 12% ऐसे इलाके हैं पंजाब के अंदर जहां पे लॉकडाउन का या स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है, और इसका इतलाक हमारी इतला के मुताबिक 1 अप्रैल तक रहेगा। आगे रमजानुल मुबारक भी शुरू हो रहा है तकरीबन 14 या 15 अप्रैल को, तो हम समझे कि रमजानुल मुबारक के अंदर भी इसका इतलाक रहेगा, या अभी आप एनालाइज करेंगे रिजल्ट क्या आते हैं यहाँ से उसके बाद फैसला होगा? जिस तरह देखें, हर हफ्ते सिचुएशन जो है उसकी बाकायदा जायज़ा लिया जाता है, चीफ मिनिस्टर साहब खुद उस कमेटी में बैठते हैं और जायज़ा लेने के बाद डिसीजंस लिए जाते हैं।
अभी वक्त तक हमने 11 अप्रैल तक कंप्लीट पाबंदियां 1 अप्रैल से लगाई हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, हर किस्म के इज्तमा के ऊपर पाबंदी लगा दी है, 6 बजे के बाद हर किस्म की दुकानें बंद हो जाएंगी सवाए वो जो खुर्दनोश की दुकानें हैं और उसके अलावा दवाइयों की दुकानें, और इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। इसके अलावा पार्क, हर किस्म के जो सियासी इज्तमा हैं, मजहबी इज्तमा हैं, शादी ब्याह, ये सब पे रुका बंद कर दिया जाएगा। और ये उन सारे शहरों में है जिनमें 12 से ज़्यादा इन्फेक्टिविटी रेट है। अगर सिचुएशन मजीद में कोई प्रॉब्लम हुआ तो शायद हमें इससे भी कम इन्फेक्टिविटी रेट के शहरों को देखना पड़ेगा, क्योंकि NCOC का ये कहना है कि 8 से ऊपर इन्फेक्टिविटी रेट जहाँ भी है उसके ऊपर हमें बहुत पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। डॉक्टर साहब, आपने भी मेंशन भी किया कोरोना की अगर हम फर्स्ट वेव की बात करें तो शहर कायद यानी कि हम कराची की बात करें सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ था और इस पर सिंध गवर्नमेंट को बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया था, मगर अब हम थर्ड वेव की बात करें तो पंजाब और स्पेसिफिकली लाहौर बहुत मुतासर नज़र आ रहा है। क्या वजह है कि इतनी तेज़ी से फैल रहा है लाहौर में, बहुत ज़्यादा इस कोरोना की सिचुएशन गंभीर हमें नज़र आ रही है? मेरा ख्याल है सबसे अहम चीज़ समझने की है कि जो पहली लहर थी उसके अंदर आपके जो तफ्तान से जो आए थे ज़ाहिरीन, सबसे पहले वहाँ फैलाव शुरू हुआ था कराची के अंदर और बहुत ज़्यादा फैला था। अब इस मरतबा जो देखा गया है कि ये ज़्यादा फैलाव जो है GT बेल्ट के जो हम कहते हैं GT बेल्ट यानी लाहौर है, रावलपिंडी है, झेलम, गुजरात, गुजरांवाला, जहाँ तादाद मरीज़ों की, फैसलाबाद जहाँ बहुत ज़्यादा है, और हमने जो कोई 300 टेस्ट किए थे उन मरीज़ों पे जो पॉजिटिव निकले थे उनके अंदर 70% जो थे उन्होंने UK वेरिएंट शो किया था। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग आपको पता है जो होती है यूरोप और UK के दरमियान और पंजाब में वो इन्हीं इलाकों में होती है, तो मेरा ख्याल है शुरू में कोई वेरिएंट आ गया है और उसकी, क्योंकि UK वेरिएंट की इन्फेक्टिविटी रेट बहुत तेज़ है, इस वजह से एक बहुत बड़ी तादाद में। वैसे हम तो चैनल पे अपने शोज में UK वेरिएंट की बहुत बात करते रहे कि इस पे चेक रखा जाना चाहिए, लेकिन बेहतियाती की गई और फिर हम भुगत रहे हैं। इस वक्त तीसरी लहर खतरनाक है, हमें मालूम है, लोग SOPs की पाबंदी यानी कि जो हमें देख रहे हैं वो नहीं कर रहे, कुछ लोग करना नहीं चाहते, कुछ लोग जानबूझ के नहीं कर रहे। क्या आप लोगों को क्या कहना चाहेंगी? आप मिनिस्टर भी हैं, हेल्थ अफेयर्स को भी देखती हैं और खुद डॉक्टर भी हैं। मेरा ख्याल है जहाँ जहाँ आवाम का ताल्लुक है, खुदारा इस लहर को, इस बीमारी को आप संजीदगी से देखिए। जिस घर में आ जाती है सब घर वालों को लग जाती है और फिर उस घर के अंदर जो बुज़ुर्ग होते हैं उन पे असर अंदाज होके कोई ना कोई घर से बंदा ले जाती है। आप सब पे इस वक्त बहुत बड़ी आप हुकूमत पे मेहरबानी करेंगे अगर आप SOPs जो हैं यानी मास्क पहनने के अलावा बार बार हाथ धोएं, बग़ैर वजह के घर से ना निकलें, अपने घर के बुज़ुर्गों को बचाएं, और जैसे मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि मेहरबानी करके अब तो हर जगह हमने सेंटर्स शुरू कर दिए हैं, आप अपने घर के बुज़ुर्गों को ला के उनको वैक्सीन लगवा दें ताकि कम से कम उनके लिए ये बीमारी अगर लग भी जाए तो जान सके। बिल्कुल, अपने अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने एक्सप्रेसो में मैसेज भी दिया और हमें अवेयर भी किया इस हवाले से। चूँकि हम बार बार कोविड की बात करें, हमारे पेरेंट्स अपने घर वाले बुजुर्गों को आप वैक्सीन के लिए रजिस्टर जरूर करवाएं, उनको वैक्सीनेशन लगवाएं ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह का मसला होता भी है तो इंटेंसिटी उसकी इतनी ज्यादा ना हो, ऑलरेडी अगर उनको आपने वैक्सीनेशन करवाई। बिल्कुल, और इसका इलाज बहुत महंगा भी है। जब आप जाएंगे सरकारी हॉस्पिटल्स में आपको खुदा ना खास्ता जगह नहीं मिलेगी, प्राइवेटली बहुत महंगा इलाज है, अफोर्डेबल नहीं है आपके लिए। इस फैक्टर को भी माइंड में रखिए और एहतियात कीजिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कराची की। इमरान साहब, आपने कराची में जब भी आपने ट्रेवल भी किया होगा, आपने कभी देखा है वहाँ बस बस चलती हुई? वहाँ पे जो W11 है गालिबन, बड़ी मशहूर है वहाँ की, और मैंने इसके बारे में सिर्फ सुना था। पिछले साल, 2 साल पहले इलेक्शन में मुझे कुछ शोज़ करने का इतफाक़ हुआ और कराची के अंदरून के इलाकों में मैं गया और मैं बहुत ही हैरान हुआ कि पाकिस्तान का वो शहर जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी पढ़ी लिखी भी है और सिविलाइज भी, लोग भी अपने तौर पर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन
जब मैंने वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल देखा, और उस पर बारह बात कर चुके हैं, इस पर कितने प्रोग्राम्स हो चुके हैं। मौजूदा खबर कुछ इलेक्ट्रिक बस के हवाले से आ रही है, लेकिन इससे पहले कि हम उसके बारे में बताएं कि कराची में इलेक्ट्रिक बस चल रही है जो कि पाकिस्तान की सबसे जदीद है, लेकिन एक बस है, कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं। तो ये पाकिस्तान का जो सबसे तरक्की याफ्ता शहर होना चाहिए था कराची, वो सहूलियात के एतबार से इस वक्त दीगर शहरों में अगर मैं कहूँ कि सबसे पीछे है, छोटे शहरों से भी पीछे है तो गलत नहीं होगा। मुल्तान जैसे शहर में भी मेट्रो है, लेकिन कराची में नहीं है, जो कि ओबियसली उससे हजम में बहुत छोटा है। पंजाब के कई शहरों में मेट्रो बस सड़कों पर दौड़ रही है, जैसे मैंने कहा लाहौर में हम अगर सिर्फ बात कर लें तो यहाँ पे ऑरेंज लाइन है, यहाँ पे स्पीडो है, मेट्रो तो है ही। खैबर पख्तूनख्वा में BRT थोड़ी अक्सर रुक जाती है, कभी कभी उसमें आग भी लग जाती है, खड्डे जंप भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन BRT बहरहाल चल ही रही है, गुजारा कर रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी मेट्रो है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, हमारा मुआशी हब, हमारे दिल के बड़ा करीब कराची पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबसे पीछे रह गया। और हुक्मरानों ने, अफसोस की बात तो ये है कि इसके मसाइल के हल के लिए कोई इकदाम भी नहीं किए, सिर्फ दावे करते रहे। बिल्कुल, अरबों रुपए के तरक्याती पैकेजेस के ऐलान हुए, लेकिन अमली तौर पर कुछ भी ना हो सका। रोशनियों का शहर कायद मसाइल स्थान बन चुका है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से दुनिया का बदतरीन शहर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। 2016 में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने ग्रीन लाइन सर्विस मनसूबे का संगे बुनियाद रखा था, जो एक साल में मुकम्मल किया जाना था, लेकिन इस मनसूबे को 5 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, लेकिन अभी तक ये मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। वफाकी वजीर असद उमर ने फरवरी में बड़ी खुशखबरी सुनाई और बताया कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत जुलाई 2021 तक ग्रीन बस सर्विस शुरू की जाएगी, जबकि वफाकी गवर्नमेंट का दावा है कि ग्रीन लाइन के लिए 80 और ऑरेंज लाइन के लिए 20 बसों का ऑर्डर भी कर दिया। बिल्कुल, और 1200 अरब रुपए का एक पैकेज भी तो दिया गया था कराची वालों को, किधर गया वो पैकेज, नजर नहीं आता है। कोई लोकल बॉडी सिस्टम ही नहीं है, जो लोकल बॉडी सिस्टम है वो इफेक्टिव नहीं है, फंड्स का झगड़ा है, सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान झगड़ा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से कराची की शहरियों के लिए अब एक खुशखबरी बहरहाल सामने आ रही है। सिंध गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, आई रिपीट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, पॉइंट टू बी नोटेड, शहर कायद में पहली इलेक्ट्रिक बस जो सर्विस है उसका इफ्तिताह किया है, और पहली इलेक्ट्रिक बस का इनफैक्ट इफ्तिताह किया है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह साहब ने दावा किया है, कुछ दिन पहले हमारे शो में भी आए थे, कि सिंध गवर्नमेंट हर महीने बसों की तादाद में इजाफा करेगी और जल्द 250 बसों की टेंडरिंग कर दी जाएगी, जबकि इस टेंडरिंग का प्रोसीजर भी ऑब्वियसली आई होप कि प्योर और शफाफ ही होगा। इस बस का जो किराया है वो 4 रुपए फी किलोमीटर होगा। और ये बस जो इब्तदा में सराब गुट से टावर तक चलेगी, और इस पर वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने सिंध गवर्नमेंट के इकदाम को सराहा है और तवक्को जाहिर की है कि सिंध की तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसे इकदाम किए जाएंगे। अच्छा, फवाद साहब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बड़े हक में है और वो खुद भी इसमें बड़ा काम करेंगे। कराची में चलेगी वो थोड़ी है, मतलब एक बस, मतलब ऐसे सिंबॉलिकली देखें एक चलेगी तो बाकी चलेंगी ना, यानी कि कराची हाइट्स जो देख रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि एक चल गई है, 249 आनी है। आई एम नॉट रॉन्ग, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, ये सबसे बड़ा शहर है, और ये बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसी है जैसे बचपन में हम एक रोजा रख के कहते थे अब सिर्फ 29 रह गए पीछे, एक तो हो गया। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात भी एट द सेम टाइम, लेकिन फीता काट देना, एक बस को ले आना, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही जबरदस्त काम किया था, जो सर्कुलर रेलवे को बहाल किया, लेकिन उस पर भी लैंड माफिया और चाइना कटिंग और इस किस्म के मसाइल इतने ज्यादा है कि अभी तक उसको भी रिस्टोर मुकम्मल तौर पे नहीं किया जा सकता। जो भी शहर कार्य में जो भी मंसूबा शुरू किया जाता है बाद में कहीं ना कहीं वो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती है कि वो मंसूबा वहीं रह जाता है, बाद में सियासतदान आपस में लड़ते रहते हैं और बेचारी पब्लिक वहीं की वहीं होती है कि जी शहर, चाहे वो कूड़े का मसला हो चाहे कोई और, अब ये ट्रांसपोर्ट का इशू है। कराची में वैसे नो डाउट हम कहते हैं इतना बड़ा शहर है, इतने प्यारे लोग हैं, लेकिन उनके साथ बड़ी ज्यादा इसकी बुनियादी वजह यह है कि सिस्टम नहीं है ना। आप एक जब तक चीजों को सिस्टमैटिक नहीं करेंगे, एक एक चीज जिसके ऊपर मीडिया ने तनकीद की उसको आप सामने लेकर आ गए, और ग्रीन लाइन की आपने बात की, मैंने खुद वहां पर जाके देखा था 2018 के इंतखाबात में जब हम वहां पर थे तो ग्रीन लाइन के ऊपर बड़ी तेजी से काम हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें कोई शक नहीं है, विफाक ने उस वक्त बड़ा तेजी से मुकम्मल किया था और विफाक का फोकस था उस वक्त, लेकिन पिछले 3 साल से आप इसकी क्या बात करती हैं, इस्लामाबाद की वो मेट्रो जो पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक जानी है, नए एयरपोर्ट तक, ये हुकूमत तो उसको मुकम्मल नहीं कर पाई। BRT के आज तक जो वॉशरूम्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाए। ये तो एक मसला है कि जो पुरानी गवर्नमेंट का मंसूबा होता है, नई गवर्नमेंट आके उसको तोहीन समझती है कि हम पुरानी गवर्नमेंट का, वैसे इनकी तो इनकॉम्पिटेंस है, इस गवर्नमेंट की तो इनकॉम्पिटेंस है कि कोई पुराना मंसूबा भी मुकम्मल नहीं हो पाया। जब ऑरेंज लाइन ट्रेन आप लाहौर की देख रहे हैं, आपका जो हाल है वहां पे जी, उसका सिर्फ कटिंग कर दी गई थी, फीता काट के ट्रस्ट राइड भी हो गई थी कि हमने यहाँ पे सैर कर ली है, लेकिन आप जो वहाँ पे हाल है वो
लोग परेशानी के शिकार हैं और गवर्नमेंट को परेशानी ये भी है कि अब इसके ऊपर जो सब्सिडी देनी है वो कैसे दी जाए, किराया बढ़ा के दी जाए, इसकी सर्विस को कट कर दिया जाए, कैसे किया जाए, ये सारा मामला है। और मुलाजमीन भी आए रोज़ एहतजाज कर रहे होते हैं कि हमें तनख्वाहें नहीं मिलती है। गेटिंग बैक टू कराची, हमारी बेस्ट विशेज कराची के साथ है, लेकिन दूसरी जानब से जब तक कोई सिस्टमेटिक काम नहीं करेगी, जब तक राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं आएगा, वैस कादिर साहब शाह साहब मिनिस्टर तो हैं लेकिन इज़ ये राइट पर्सन टू मेक अ पॉलिसी फॉर ट्रांसपोर्टेशन? आई थिंक नो। जब तक कोई राइट पर्सन राइट जॉब के लिए नहीं आएगा मसाइल रहेंगे। इवन देन हमारी बेस्ट विशेज कराची के साथ हैं फॉर दिस वन इलेक्ट्रिक बस। ब्रेक के बाद देख लेते हैं। वेलकम बैक टू स्पेशल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज हम आपको मिलवाते हैं गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट के कुछ होनहार स्टूडेंट से जिन्होंने रिमोट कंट्रोल तैयारा बनाकर अपने मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन किया है। एक इवेंट होता है आईमिक्की नाम से, यूएएस चैलेंज इसको कहा जाता है। इसमें मुख्तलिफ ऐसी व्हीकल्स, एयर व्हीकल्स इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं जो कि बगैर इंसानी मौजूदगी के चलती हैं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ ड्रोन्स बनाए जाते हैं। यही इनका प्रोजेक्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ये लोग स्टूडेंट हैं और इस इवेंट की क्या डिटेल है और वहाँ पर इनको किस तरीके से एज डिबरेंट बेहतरीन एजाज़ के तौर पर नवाजा गया इनकी बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से और मजीद ये क्या करने जा रहे हैं, इसी पे हम बात करेंगे। वी हैव द स्टूडेंट्स फ्रॉम गिवेदस राइट नाउ लाइव इन हमना। वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप दोनों? ठीक, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा हमना, क्योंकि आप लोगों ने इतना जबरदस्त काम किया है और इसके साथ साथ इनके मैनेजर भी हैं हमारे साथ फाहद, उनको भी हम वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी फाहद। लेकिन सबसे पहले हम हमना और लाइबा की जानिब आएंगे। अपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से हमना बताएं, बेसिकली ये प्रोजेक्ट था क्या और आप चूंकि मैकेनिकल इंजीनियर्स भी हो उस हवाले से बताओ कि आपने किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया और जो कॉम्पिटिशन बेसिकली क्या था? अच्छा, तो बेसिकली जो हमारा कॉम्पिटिशन होता है उसको हम IMIC US चैलेंज कहते हैं और उसमें हम अनमैन ऑटोमेटेड सिस्टम्स बनाते हैं। तो उनका वो इस लिहाज से रिमोट कंट्रोल से वो बिल्कुल फ़र्क होते हैं क्योंकि उनको किसी इंसानी किसी रिमोट कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती। तो उनका ये होता है कि वो बेसिकली ऑटोमेटिक चलते हैं बगैर किसी ह्यूमन की एड के। तो अब IMIC का चैलेंज बेसिकली होता है कि आपने कैसा तैयारा बनाना होता है, छोटे साइज़ का ही होता है एयरक्राफ्ट जो इसके जो बगैर किसी ह्यूमन एड के बने और उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि वो ह्यूमन एड डिलीवरी के लिए यूज़ होता है। कोई एड पैकेज आपने डिलीवर करना होता है एक जगह पर महसूस जगह पर। ठीक हो गया। अच्छा, तो आपने ऐसा तैयारा बनाया वहाँ पे और उसको आप ले, तो आपका प्रोजेक्ट किस तरह से मुख्तलिफ था बाकी प्रोजेक्ट से, बाकी जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे थे प्रोजेक्ट को? लाइबा, हम लोगों का जो प्रोजेक्ट था खासतौर पर उसमें ये बात थी कि एक तो हम लोग बिल्कुल न्यू एंट्रेंट थे और उस वक्त हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। तो उस वक्त बाकी सारी जो टीम्स थी वो फॉरेन टीम्स थी, लेकिन बाकी सारी टीम्स UK की अपनी थी और हम वाहिद जो थे वो फॉरेन टीम थी। लेकिन हम लोगों ने बहुत, हम लोगों का न्यू एंट्रेंट था और हमने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया कि हम लोग न्यू एंट्रेंट अवार्ड फर्स्ट टाइम ही जीत गए। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप फर्स्ट टाइम किसी कॉम्पिटिशन में जाओ आप उसी वक्त जाके जीत जाओ। तो इसलिए हम लोगों का ये भी था कि जो हमारा प्लेन था वो तब उस वक्त टीम में सिर्फ 2 लोग थे और उनके साथ नीचे जो थे जो मतलब हेड थे सिर्फ 2 थे और उनके साथ बाकी टीम थी। लेकिन उन्होंने इतना अच्छा जाके पार्टिसिपेट किया UK के अंदर के हम लोगों ने वहीं पे फर्स्ट। तो ये आईबी की इसका प्रोसीजर क्या था टू गेट सिलेक्टेड देयर टू बी अ पार्ट ऑफ इट? बिकॉज़ यूजुअली या तो आपको आपका इंस्टीट्यूट रेफर करता है या आप खुद ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं जिसके बाद आप वहां पे ऐसी जगहों पे जाते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी जवाब देना चाहे, आप लोग इसका हिस्सा कैसे बने? वो ये कि हम पार्टिसिपेट उसमें कोई भी कर सकता है और हमारा ये था कि हम इससे पहले एक नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते रहते थे जिसे कहते हैं IRDBFC। लेकिन अब फिर हमारा ये था कि हमने अपना खुद का होराइजन ब्रॉड करना था और आगे ज़्यादा दुनिया में जाना था। तो फिर हमने सोचा कि हम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं अपना। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं, चूँकि आप दोनों मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं और नॉर्मली एयरक्राफ्ट और इस तरह की चीज़ों में लड़कों का बहुत इंटरेस्ट होता है और ख़वातीन के लिए स्पेशली लड़कियों की बात करें वो उस तरह से इंटरेस्ट लेवल डेवलप नहीं होता। सो आप दोनों ने अपना इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया? लाइबा, आई थिंक ये तो आपके अंदर से इंटरेस्ट डेवलप होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब ज़्यादातर फीमेल्स जो हैं इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर भी, जैसे डॉक्टर सारा कुरैशी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और अब मुझे लग रहा है कि लाइक पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा लड़कियाँ जो कि इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। और अब ये तो मेरा ख्याल है पर्सनली आपका अपना भी इंटरेस्ट होता है। ठीक हो गया। तो फ्यूचर में पाकिस्तान में इसको, पाकिस्तान ने भी रिसेंटली हमने पाकिस्तान डे भी देखा, हम डिफेंस के लिए अपने ड्रोन बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो व्हीकल्स आप बना रहे हैं, आपसे मैं पूछूंगा हमना, आप इसका जवाब दे दें कि हम जो अभी आप जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने कहा कि एड डिलीवरी के लिए जरूरी है। कोविड सीजन के अंदर यूनेस्को ने कुछ काम किया था कि वैक्सीन पहुंचाई जा रही थी अफ्रीकन कुछ इलाकों के अंदर, तो आने वाले वक्तों में इसकी बड़ी अफादियत हो सकती है। आप लोगों के माइंड में क्या है अपने प्रोजेक्ट को लेकर, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है, आप पहले बताएं जरा। जी हमने बहुत ज्यादा इसके बारे में भी सोचा कि हमें, अगर हमने बना लिया तो हम इसको कमर्शलाइज भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ आइडियाज हमारे ब्रेन में जो थे
थे वो ये कि ये कोविड से रिलेटेड भी थे, और फिर उसके बाद ये कि हम ने सोचा था कि फर्टिलाइजर्स वगैरह क्रॉप्स वगैरह पे स्प्रेड करने के लिए भी ये यूटिलाइज हो सकता है. और जो डिजास्टर्स जगह होती है जहाँ पे लाइक अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, फ्लडिंग आ जाती है, और आप लोग ह्यूमन डायरेक्टली वहाँ पे नहीं जा सकते, तो वहाँ पर ये जाके रिलीफ पैकेज ड्रॉप कर सकते हैं. और लाइक अगर लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, अवलांचेस हो जाते हैं, आप नहीं जा सकते, तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा लाइक काम है कि ये लोग ये बस जाता है और लाइक ड्रॉप कर सकते हैं, और इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है. आपकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट कैसे है, जो जो एक्चुअली पैसे तो आइडिया के होते हैं ना, तो आपकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट कैसे है बाकी दुनिया में, या बाकी इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में एक्सक्लूसिव आपके पास होगा जिसको आप मार्केट कर सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि लाइक हम लोगों का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटेड है. लाइक आरसी प्लेन्स तो बहुत अरसे से बन रही, इसलिए वन ऑफ द रीजन वाज कि हम लोगों ने आईएमके में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि आईआरडीबीएफसी में पहले हम रिमोट कंट्रोल्स के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग अपना जो हॉराइजन है वो एक्सपैंड करते हैं और हम ऑटोमेटेड सिस्टम पर काम करते हैं. ऑटोमेटेड सिस्टम का मतलब ही ये है कि आपको कोई भी ह्यूमन एड नहीं चाहिए. कैसे ऑपरेट होता है जीपीएस सिस्टम, लोकेशन डाल दी चला जाएगा ऐसे? हाँ, इस तरह ही सॉर्ट ऑफ होता है, लेकिन उसके पीछे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा काम होता है. हमारी पूरी ऑटोमेशन की टीम उसके ऊपर काम कर रही होती है, और हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं और एक फ्लाइट कंट्रोलर होता है जो उसके साथ अटैच होता है, वो आपस में वायरलेस कनेक्शन होते हैं उनके आपस में. अच्छा, दैट्स वेरी टेक्निकल. इसका सक्सेस रेट क्या है ये भी मैं जानना चाहूंगा, कितने एक्सपेरिमेंट आपने किए हैं? हाँ, हमारे अक्सर हम लोग बहुत ज्यादा मतलब जब टेस्टिंग होती है और हम लोग लाइक जो रस्ते में उतर जाते हैं, नहीं जो हमारे वॉलंटियर्स होते हैं उनको हम लाइक ऑटोमेशन के सेशन करवाते हैं और हमको एक डेमो फ्लाइट करके दिखाते हैं ताकि वो लोग उनको समझ आए कि चीजें कैसे करनी है. जबरदस्त. तो हम ना अब जब ये अवार्ड जीता उसके बाद इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट बनाया, वापस आए, कैसा रिस्पांस मिला? वो ये थे कि हम लोग ये बहुत ये वैसे जो हमने अवार्ड जीता ये 2018 का है. हाँ. तो लाइक उस वक्त हमारा इतना जानते भी नहीं थे लोग, तो वो लाइक स्टोरी हमारे में ही रह गई थी. हाँ. लेकिन आप भी हमें बताने का मौका, लेकिन रिसेंटली अभी भी हमारी एक अचीवमेंट है वो भी मैं बताना चाहूँगी. हम लोग ने जो अभी रिसेंटली हमारा डिज़ाइन रिव्यू हुआ था, जो कि डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, इसी कॉम्पिटिशन का पार्ट होता है, वन ऑफ द टास्क दैट वी हैव टू डू. तो उसके सिलसिले में हम लोगों ने 15 out of 15 स्कोर किया था, विच इज़ द हाईएस्ट स्कोर एनीवन हैज़ एवर गॉटन लाइक इस पार्ट के लिए. तो लाइक जब आपने ने इस कंपटीशन के अंदर यूएस चैलेंज के अंदर अपने आप को प्रेजेंट किया, वाज देयर सम कमेंट फ्रॉम द जजेस और द पीपल ज्यूरी जो भी वहाँ पे थी जो आपको याद रह गया वो आपके काम को लेकर? वो असल में क्योंकि सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड आता है, तो लाइक उसी में उन्होंने काफ़ी हमें अप्रिशिएट किया हुआ था कि लाइक हमारा अच्छा काम है और फ्लॉलेस वर्क था. तो बस ये ठीक है. तो हम इसको कमर्शियली किस हद तक कर सकते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि दुबई के अंदर तो हमने देखा है कि अब जो ऊबर डिलीवरीज है वो भी हो रही हैं, खाने की चीज़ें भी जा रही हैं ड्रोन्स के जरिए, टेक्नोलॉजी आ रही है आने वाले वक्त में, तो अब इसका कमर्शियल क्या फ्यूचर है पाकिस्तान जैसे कंट्री? पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है. लाइक आप इसको अगर हम मिलिट्री से रिलेट करें तो ये सर्वेलेंस के लिए यूज़ हो सकते हैं. नेचुरल बॉर्डर, ये जो नेचुरल बॉर्डर्स होते हैं हमारे, उसके अलावा ये पेस्टिसाइड एक्सरसाइज वगैरह स्प्रे करने के लिए यूज हो सकता है, टिड्डी दल जैसे मामला से. और अगर हम इसको ऑप्टिमाइज करें तो जैसे अब कराची में पिछले साल आपको पता है कितनी अर्बन फ्लडिंग हो गई थी, तो इसके थ्रू हम उनको भी पैकेज ड्रॉप कर सकते हैं. किसी को आपने लाइक राशन वगैरह जैसे भेजना हो वो नहीं उस पर जल्द एक्सेसिबल, तो इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है. मुझे वो थोड़ी वो फील आ रही है पुराने दौर में ना कबूतरों को खत दे के भेजते थे, और ये एक तजर्बा बेसिकली आइडिया तो उसी का है ऐसा लगता है, लेकिन कमाल, अमेजिंग आइडिया. अच्छा, बहुत सारी लड़कियां आपको देख रही होंगी जो आपको आइडियलाइज भी करेंगी और आपको इंस्पायर भी होंगी. हम ना हमारे प्लेटफॉर्म से पहले आपसे हम मैसेज लेंगे, क्या मैसेज देना चाहोगी अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ आना चाहती हैं तो इट्स नॉट दैट टफ, और इफ इट इज तो उसको किस तरह से ओवरकम, और जो मीम्स बनती हैं इंजीनियर्स के ऊपर उसका भी जवाब दे दिया. वो मैं यही कहना चाहूंगी कि लाइक आई डोंट थिंक सो, हम ऐसी दुनिया में रहना कि किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो लड़का है या लड़की है. तो अगर आप पैशनेट हो इसके बारे में, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप परसू करो, और आई डोंट थिंक सो कोई भी आपको रुकावट आएगी अगर आप खुद किसी चीज के बारे में पैशनेट हो. जबरदस्त. मेरा भी यही ख्याल है कि जो इंजीनियरिंग है या इवन मेडिसिन जो भी फील्ड है वो जेंडर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, वो आपकी अपने इंटरेस्ट और आपकी अपने पैशन के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए. और लाइक यही रीजन है कि हम लोग भी आज मैकेनिकल इंजीनियर्स बन रहे हैं और हम इस टीम के लिए भी काम कर रहे हैं. जबरदस्त. तो आई फील लाइक मैं सबके लिए यही कहना चाहूंगी कि अगर आपका अपना इंटरेस्ट है तो परस्यू करें, आपके पेरेंट्स या जो भी है, लेकिन आप खुद अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जरूर परस्यू करें. और डेफिनेटली जॉब्स का तो पाकिस्तान में थोड़ा सा है इशू, लेकिन अगर आपका अपना इंटरेस्ट होता है तो आप कुछ ना कुछ कर लेते हैं. आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर ट्रस्ट भी है क्योंकि आपको ऐसी डिग्रीज के अंदर डाला है. यूजुअली लड़कियों को लोग ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बनाने के लिए एंबिशियस होते हैं, डॉक्टर बना दें, लॉयर बना दें, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फिर इस किस्म के सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करना, दिस इज समथिंग रियली अप्रिशिएटिंग. हमारा फहद से रابطہ मुनक़ता हुआ, हमारे साथ मौजूद थे इनकी टीम के, लेकिन चले नेक्स्ट टाइम फहद, आई होप यू वाचिंग, तो आपसे जरूर बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग हियर. थैंक यू गर्ल्स, वी विश यू अ बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह से नाम रोशन करती रहें. आज जी हमें ब्रेक लेनी है, लाइव और हम हमारे साथ मौजूद थी और अभी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. आप देखते रहे एक्सप्रेसो.
वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। वो बात करेंगे अब सिफारती सतह पर एक अहम पेशरफ की जो कि सामने आ रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में बड़ी बेहतरी देखने में आ रही है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च में पाकिस्तान के मौके पर अचानक सरप्राइजिंगली इमरान खान साहब को खत लिख दिया और कोरोना से सेहताब होने के हवाले से इमरान खान साहब ने अब जो ही थोड़ा उनकी तबीयत बेहतर हुई है उन्होंने नरेंद्र मोदी को खत लिख दिया और एक बार फिर भारत के साथ इस बात का इजहार किया कि हम पुरान ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि मसला कश्मीर समेत तमाम जो तस्वीर तलब तनाज़ात हैं उन पर बात की जाए, उन्हें हल किया जाए। बिल्कुल, और साथ साथ तजारती ताल्लुकात की बहाली के इम्कान के बाद भारत से चीनी, कपास और धागा दरामद करने की तैयारी भी की जा रही है। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से वजारत तजारत ने समरीज भी तैयार कर ली हैं जो आज मंजूरी के लिए इक्तिसादी राबता कौंसिल में पेश की जाएंगी। सऊदी अरब की बात करें तो 15 माह बाद वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुल्तान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है जिसमें दोनों रहनुमाओं में ताबुन बढ़ाने और मिलकर काम करने पर भी इत्तफाक किया है। साथ साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल की भी बात की जाए तो एक बार फिर अफगान दोहा मुहिदा खतरे में पड़ गया है। बिल्कुल, और इसमें अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा देखने में आ रहा है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए ताजिकिस्तान के शहर दुशंबे में हार्ड ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसमें वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने दोहा अमन मुहिदे के हवाले से इस पर अमल दरामद पर जोर देते हुए वाज़ेह किया कि जामे मुज़ाकरात के अलावा अफगानिस्तान के मसले का कोई मुस्तक़िल हल नहीं है। इस वक्त खत्ते की जो सूरत हाल बन रही है इसी पर बात करते हैं। दिफाई तजियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इसको कैसे देख रहे हैं, ये पेशरफ्त कैसी है। सबसे पहले तो पाकिस्तान इंडिया के हवाले से जो पेशरफ्त है इस पर जरा जल साहब की राय लेते हैं। जल साहब बहुत शुक्रिया, सुबह खैर, आपने हमें ज्वाइन किया अच्छी पेशरफ्त है, हम तो हमेशा उसको वेलकम ही किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है बिकॉज मोदी इज बीन द वर्स्ट आई शुड से हार्ड लाइनर वेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप और खासतौर पर मुसलमानों की जानब एंड देन पाकिस्तानियों की जानब, फिर अचानक से ये मोहब्बत का पैगाम आ जाना वेलकमिंग तो है लेकिन इसके पीछे राज क्या है? What does Modi wants now? असल में राज तो आपने जो पूरा ओवरऑल एक सिचुएशन बताई है ना पूरे खत्ते की जिसमें अफगानिस्तान शामिल है, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात है, फिर और आपको पता चीजें ये सारी आपस में जुड़ी हुई हैं और ये तो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि आज तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में मिल बैठ कर कोई मसला हल नहीं कर पाए, हमेशा कोई ना कोई बाहर से मदद मिलती है, कोई असिस्टेंस होती है तब जाके ये बातचीत होती है। तो इस दफा हुआ तो ऐसे ही है, इसमें तो कोई ज्यादा उसमें तहकीक की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हुई है जो आज जो कल जवाबी खत गया है वज़ीर आज़म की तरफ से मोदी साहब को, उसमें उन्होंने आपको पता है मोदी ने अपने खत में जब मुबारकबाद दी थी 23 मार्च की तो साथ ही टेररिज्म की बात की थी कि हमें ट्रस्ट फ्री एनवायरनमेंट और टेररिज्म फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। तो मेरा ख्याल पाकिस्तान ने जवाबी तौर पे सही तौर पर कश्मीर का जिक्र कर दिया और दोबारा अच्छे एनवायरनमेंट का जिक्र कर दिया, तो एक लिहाज से ये बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच है। और कुछ लोग जो ये गलत तावील दे रहे थे कि वो जो हुई थी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की कि शायद उसमें हमने कोई एक तरफा अपीजमेंट की पॉलिसी थी या अच्छा, हमने फिर कत्ता कलामी की बात, जनरल मुशर्रफ के दौर में ऑब्वियसली आप उस वक्त बड़ी अहम जिम्मेदारियां भी आप देख रहे थे, उस वक्त भी इस किस्म की बात हुई थी और बजायर एक तासुर ये आता था कि जी सेटलमेंट कर ली जाए या सेटलमेंट कर ली गई है, आपको याद होगा ऐसा तासुर दिया जाता रहा उस वक्त भी और अब भी एक ऐसा तासुर दी जाने की कोशिश की जा रही है कि जी शायद इस पर कुछ सेटलमेंट हो गई है, दो के अस्करी क़यादत भी और हमारी जो हुकूमत है उसने भी वाजे किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जाहरी बात है यू नो समटाइम्स एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स ऐसा लगता है, तो अभी कोई ऐसा तासुर आपको भी मिल रहा है या हम इससे कैसे निकले कि नहीं पहले कश्मीर पर बात होगी और फिर बाद में बाकी मामलों पर बात होगी? हालांकि सेटलमेंट हो नहीं सकती बगैर बातचीत के, अलबत्ता ये आप कह सकते हैं कि सेटलमेंट के लिए माहौल साजगार किया जा रहा है या ऐसी कोई बात तो मुमकिन है, लेकिन आप ये देखिए कि जो मुशर्रफ साहब का फार्मूला था उसमें भी जब कश्मीरियों से का रद्द अमल आया और पाकिस्तान में भी क्योंकि हमने एक एंकर जो है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादे अगर उनको हम छोड़ दें तो फिर हो जाएंगे ठीक है जी हम कोई और फार्मूला लेकर आएंगे, वो तो फिर बाद की बात है जिसमें कश्मीरियों का मानना बहुत जरूरी है, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। अभी आप देखिए कि अभी ये जो तासर एक उभरा था उसमें एक जो रिएक्शन आया गिलानी साहब का मकबूजा कश्मीर से और फिर जो कुछ जो पुराने मुजाहिदीन के कुछ लीडर हैं उनका जैसे सलाउद्दीन साहब का जो रिएक्शन आया उससे और पाकिस्तान में भी जो रिएक्शन आया उससे ये बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा कोई फार्मूला कामयाब नहीं हो सकता जिसमें कश्मीरियों की राय शामिल ना हो, जिसमें पाकिस्तान के अक्सरियत की राय शामिल ना हो।
तो मेरा ख्याल ये तो जब तक आप पार्लियामेंट में इस किस्म की चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, इस किस्म का कोई इम्कान नहीं है। लिहाजा पाकिस्तानियों को इस बात का इत्मीनान रहना चाहिए कि कोई भी जितना भी कोई बड़ा लीडर आ जाए, जब तक अवाम को पहले कन्विंस ना कर ले, इस किस्म का कोई काम नहीं कर सकता। और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे नहीं लगा, मैं दोनों तकरीरों में मौजूद था जो प्राइम मिनिस्टर ने की और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने की, ये तासर मुझे नहीं मिला कि वो कोई ऐसा पहले से बात हो चुकी है। हाँ, ये तासर जरूर मिला कि कोई बैकग्राउंड में कोई पीछे और ताकतें और ये और मुहर्रकात हैं जो दोनों मुल्कों को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये दोनों मुल्कों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क खुद खुद भी हमें समझना चाहिए कि अमन ही हमारे लिए मुस्तकबिल का रास्ता मुतय्यन करेगा और अमन से ही यहाँ के 1.5 अरब लोग जो हैं वो चैन से जी पाएंगे और उसके लिए बातचीत नहायत जरूरी है। जनाब, साथ साथ अगर हम पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से भी बात करें, ताल्लुकात में बेहतरी देखने में आ रही है। अभी जो 15 माह बाद टेलीफोनिक रब्ता हुआ है वजीर आजम इमरान खान का और सऊदी वली अहद का, अब मिलकर काम करने पर इत्तेफाक हुआ है, दीगर मामलात पर भी बात हुई, आप समझते हैं कि दोबारा से दोनों मुल्क के दरमियान जो गर्म जोशी के ताल्लुकात हैं वो बहाल होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इसका इम्कान मौजूद है और वो बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, बात यह है कि हमें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि इस दुनिया में अभी दो ब्लॉक उभर के सामने आ रहे हैं, एक है चाइनीज रूसो ब्लॉक और दूसरा है अमेरिकन ब्लॉक, और हमें मालूम है कि कौन किस ब्लॉक के साथ मुंसलिक है। पाकिस्तान की पॉलिसी अच्छी है कि ये बैन चलने की कोशिश है पाकिस्तान की, जो कि अल्लाह करे कि ये कामयाब हो जाए, लेकिन किसी ना किसी वक्त हमें कोई फैसला करना पड़ेगा। तो आप यूं समझिए कि जब यूएई और सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई मोहब्बत के पैगाम आए तो आप समझें कि आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और अगर वहां से कोई करख्तगी के मालूम कोई पैगाम आता है तो उसका उलट आप समझ लें। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान की ये कामयाबी है खारजा पॉलिसी की, कि चीन के साथ गहरे ताल्लुकात होने के बावजूद और सीपैक पर काम जारी रखने के बावजूद अमेरिकन ब्लॉक के साथ थोड़े से ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं, लेकिन इनको बहुत ज्यादा हमें वो नहीं इसमें पढ़ना चाहिए। देखिए, बात ये है, लेट्स गेट बैक टू द रीजनल, जो हम पहले बात कर रहे थे जो रीजनल अफेयर्स हैं उसमें ऑब्वियसली अफगानिस्तान के अंदर हम से पूरे खत्ते का हम जुड़ा है, हमें इस बात का अच्छे तरीके से मालूम है और पाकिस्तान ने बड़ा सफर किया है, देन पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की है इस अम को वापस लाने के लिए। अब जो दोबारा से सूरत हाल बन रही है, जो अमन वायदा खतरे में नजर आता है, उसके बाद आप मामलात को किधर जाता देखते हैं? और दूसरी जानब, आप जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स की बात करें तो पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी बड़ी वाइडन बड़ी वाइब्रेंट रखी है पिछले कुछ अरसे में और उसमें कामयाबी भी हुई है, हमें हम दोनों अतराफ को साथ लेकर चले हैं, तो खास तौर पे अफगानिस्तान के तनाजुर में आप खत्ते का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इस वक्त जो सूरत हाल है? देखिए जी, पाकिस्तान में तो हमारे चूंकि बहुत गहरे इंटरेस्ट हैं और उसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल आप जो समझे कि इतना ही अहम है जैसे सी पैक है, इस किस्म की कोई चीज है। तो इसमें ये जो अभी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई है, चूंकि इसमें बहुत ज्यादा मुल्क इन्वॉल्व हैं, आपको पता है कम से कम 15 तो इसके मेंबर्स हैं, उसके बाद 17-18 इसके जो असिस्ट करने वाले ममालिक हैं, तो इतने बड़े फोरम पे बातचीत तो हो सकती है लेकिन फैसले नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल है, लेकिन जो फायदा हुआ है मेरे ख्याल में इसमें हमें, ये जो साइड लाइन मुलाकातें हुई हैं वजीर खारजा की ईरान के वजीर खारजा के साथ और लोगों के साथ, वो मेरा ख्याल बहुत अहम है। उसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने आपस में डिसाइड की होंगी, आपको पता है ईरान ने दौरे का भी दिया है, बुलाया है पाकिस्तान के वजीर खारजा को, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं और शायद वहां पर कोई इकोनॉमिक अगर ये सिस्टम देना चाहे अफगानिस्तान को, वो अफगानिस्तान का जो फ्यूचर का फैसला है मेरा ख्याल है कि वो रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, अफगान अवाम, ये जो मैंने 6 एंटिटीज गिनाए हैं इनसे होगा, क्योंकि जब आप शामिल कर लेते हैं हिंदुस्तान को जी, और अगर आप मेरी असेसमेंट जाने तो अमेरिका को, तो वो वहां पर अमन नहीं चाहते मेरे भाई। अमेरिका अफगानिस्तान में अमन क्यों चाहे? लेकिन यहाँ पे हमेशा से जनसभा एक मसला ये रहा है ना कि अफगानिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, जो अवामी मैंडेट है वो ऑब्वियसली मौजूदा हुकूमत के पास नहीं है, वो तालिबान के साथ है काफ़ी हद तक, और जो इंतजामी फैसले हैं वो सो कॉल्ड सिटिंग गवर्नमेंट के पास हैं, तो उसमें एक कन्फ्यूजन हमेशा से रही है। और जारी बात है, सिटिंग गवर्नमेंट का झुकाव भी भारत की तरफ से है ड्यू टू द फाइनेंशियल मैटर्स और अमरीका की तरफ रहा है ज़्यादा, वो खैर आप मुझसे ज़्यादा बारीकी समझते हैं। खैर, इस पर बात होती रहेगी जल साहब, थैंक यू वेरी मच आपके तजिए के लिए, बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास कम है लेकिन बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ, आपने इस अहम मौजू पर अपनी राय का इजहार किया। हम बात कर रहे थे रीजनल सिचुएशन के ऊपर, पाकिस्तान की बहरहाल एक बड़ी
वाइड ओपन किस्म की खारजा पॉलिसी रही है और पाकिस्तान ने इंगेज किया है सभी ममालिक को, लेकिन एक बार फिर हमें देखता होगा कि दोस्त और दुश्मन की पहचान बहुत ज़रूरी होती है और कहा यह जाता है कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी में ये चीज़ें देखनी होंगी, बेहतर रिजल्ट आएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ बागों के शहर लाहौर की, जिसको अभी तक कचरे से पाक नहीं किया जा सका। दावे तो बहुत किए जा रहे हैं मगर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। कचरे के ठिकाने लगाने के माने के मामले पे पंजाब हुकूमत की कई डेडलाइंस गुजर चुकी मगर कचरा अभी तक जूं की तू हालत में मौजूद है। 3 माह का अरसा गुजरने के बावजूद LWMC का अमला जो अमल है वो सुस्ती का सुस्त रवि का शिकार है और आखिर इंतजामिया संगीन मामले का हल तलाश करने में अभी तक क्यों नाकाम है, इस हवाले से हमें बात करनी है। जी बिल्कुल, और इसी पे बात करनी है। अफजाल तालिब साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे कोरेस्पोंडेंट हैं, उनसे पूछते हैं कि वो हमें क्या बता सकते हैं। अफजाल, मुसलसल आपसे बात हो रही है हमारी एक्सप्रेसो के अंदर, आप हमें मुख्तलिफ इलाकों से सूरत हाल बता रहे हैं। सबसे पहले तो अब आपसे पूछ लेते हैं शहर की सूरत हाल क्या है, और जो लायअमल सामने आया था, यू नो टन्स ऑफ गार्बेज वॉज देयर, जिसको उठाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इकदाम कर रहे हैं, और आपने ये भी कहा था कि कुछ साफ अच्छे बड़े इलाके जो हैं गुलबर्ग जैसे, मॉडल टाउन जैसे, उनको क्लीन किया भी गया है, क्या सूरत हाल है ओवरऑल? जी बिल्कुल, जो सूरत हाल ये है कि चूंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि LWMC की तरफ से बुलंद दावे तो रोज़ाना की बुनियाद में किए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर अमल दामद के हवाले से जो है वो ना होने के बराबर है। इस टाइम सूरत हाल ये है कि लाहौर में जो गली मोहल्लों में तकरीबन 10,000 से ज़ायद कूड़ा कंटेनर जो हैं वो रखे गए हैं, जहाँ तमाम गली कूड़ों का कूड़ा इकट्ठा करके जो है वो कंटेनर में जमा किया जाता है, उसके बाद वो वहाँ से लिफ्टिंग की जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर में इस वक्त जो 3,000 कंटेनर मौजूद हैं, जबकि 7,000 से ज़ायद कंटेनर जो हैं वो इस टाइम लाहौर में है ही नहीं, जिसकी वजह से जो भी कूड़ा गली मोहल्लों से इकट्ठा होता है वो वहीं पे छोटे और बड़े कूड़ा क्रिकेट के ढेरों में तब्दील होता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लाहौर की खूबसूरती पर जो है बदनुमा दाग नवाया हो रहा है। अभी इस वक्त जो है जैसे बताया कि 6 से 7 हज़ार कंटेनर की जरूरत है, इस तरीके से गाड़ियों लोडर डैम्पर ट्रालियों की जरूरत है, जिसके लिए LWMC की तरफ से जो है 3 अरब और 84 करोड़ रुपये के जो टेंडर जू जारी किए गए हैं, जिसके लिए SOPs जो उसके हवाले से कवानीन के हवाले से जो अमल दामद के जो कानून मौजूद है उसके लिए अभी वक्त दरकार है, जिसकी वजह से ये मुझे लगता है कि 2-3 माह तक जो है मशीनरी आ जाएगी, चूँकि अभी छोटी ईद है, उसके बाद बड़ी ईद भी आने वाली है, तो 3 महीने तक मजीद जो लोगों को इस तमाम मसाइल से दो चार होना पड़ेगा, चूँकि गवर्नमेंट ने इब्तदाई तौर पर 2 माह के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया था, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर से जो है प्राइमरी और सेकेंडरी कलेक्शन के लिए मशीनी हर की गई थी, लेकिन वो तो ना होने के बराबर है। इसलिए जब तक मशीनी नहीं आती उस वक्त तक जो है काम मसाइल से दो चार ये जी, तो यही सूरत हाल है कि जो लाहौर के जो शहरी हैं इन्हें अभी मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक आइंदा 2-3 माह तक भी जो है जो एक दावे था कि लाहौर गंदगी से पाक हो जाएगा, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अभी भी जिस हम लाहौर के तकरीबन 70% इलाकों में जो है कूड़े के क्रिकेट के नुमाया छोटे बड़े ढेर पड़े हुए हैं, जिसको मुसलसल उठा तो रहे हैं, लेकिन चूंकि मशीनरी काम है मसाइल काम है, उस हवाले से ये मसाइल से दो चार होना पड़ेगा। तो अफजाल साहब, ये मसाइल कैसे हल होंगे? इंतजामिया की हमें तो अभी नजर आ रही है सिचुएशन कि वो तो इस मामले पर बिल्कुल गौर करने को तैयार नहीं, और दिन ब दिन शहर लाहौर की हम बात करें कराची जैसा हाल होता हमें नजर आ रहा है, एक दूसरे पर ब्लेम गेम का सिलसिला जारी रहता है और उसको उस तरह से तवज्जो से नहीं किया जा रहा, कैसे हल होगा ये मामला? नहीं बिल्कुल, आपने ठीक कहा, चूँकि सिचुएशन ये है कि चूँकि जब से जो है बरूने मुमला कंपनी से जब हैंड ओवर किया गया ये तमाम काम, लेकिन इनकी नाकस प्लानिंग की वजह से अभी तक जो है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपनी पाँव पर नहीं खड़ी हो सकी, जिसकी वजह से आप शहरों को मसाइल का सामना है। जैसे मैंने बताया कि तकरीबन 3 अरब और 84 करोड़ रुपये के जो टेंडर जारी किए गए हैं, अगर ये पैसा टोटली गवर्नमेंट पंजाब इनको दे देती है और तमाम मशीनी कंटेनर बनाने में अभी कम से कम मैंने कहा 3 से 4 माह लग सकते हैं, जब तक ये मशीनी हायर नहीं होती, जब तक मशीनी नहीं आती उस वक्त तक शहरियों को इस सारी सूरत हाल से तो ऐसा लग रहा है कि ये सारा ठेका सिस्टम चल रहा है, एडहॉक होता है ना आर्जी तौर पर कि मशीनें ले ली, सफाई कर दी, फिर उसके बाद फिर कूड़ा आएगा, फिर कुछ सिस्टमेटिक वे में चीज़ें नजर आ रही हैं। बहुत अरसे से लाहौर के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने बड़ा साफ सुथरा लाहौर भी देखा और अब ये वाला लाहौर भी आप देख रहे हैं, तो कोई सिस्टमेटिक प्लानिंग माइंडसेट गवर्नमेंट का इस हवाले से नजर आ रहा है आपको, या आपको लगता है कि नहीं ये बस एडॉक बेसिस पे हो रहा है, मीडिया का प्रेशर आया सफाई कर दी और फिर वही गंद हो जाना है अगले आने वाले कुछ दिनों में?
हाँ जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी तक तो एडहॉक सिस्टम पे ही सारा सिस्टम चल रहा है। अभी इस टाइम इन्होंने 2 माह के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया था, तो उस 2 माह खत्म होने में अभी तीन 2-4 दिन बाकी रह गए। अब इन्होंने प्लानिंग ये शुरू किया कि वो 1 साल का के लिए अवार्ड जारी करेंगे ताकि जो है 1 साल तक ये सिस्टम चल सके। उसके बाद फिर ग्रेजुअली जैसे मशीनरी आ जाएगी इनके पास जैसे, तो उसके तहत फिर मुस्तकिल पे हम मसाला होता है। अभी वक्त से कबल ये स्वर्दी सूरतल से आगाह करना है, लेकिन चूंकि भी ये 1 साल तक अवार्ड करेंगे उसके मशीनें अगर आ जाती है तमाम मशीनरी के मसाइल पूरे हो जाएंगे। मामला में जो सही होता नजर नहीं आ रहा, फिर ना ही समझिए। अफजाल साहब थैंक यू सो मच। अफजाल साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सवाले से अपडेट किया। हम तो यही उम्मीद करते हैं, बागों का शहर है, हमने लाहौर को तो हमेशा खूबसूरत हालत में देखा है, अब ये जो कूड़ा जो कचरा नजर आता है और ये कचरा उन जगहों पर हम दिखा रहे हैं जहाँ पे कैमरा या हमारी गाड़ियां पहुंच सकती हैं। लाहौर बहुत फैला हुआ शहर है और बहुत सी जगहों पे हमारे मीडिया के रिसोर्सेज भी नहीं पहुंच सकते, तो उन शहरों का हाल क्या होगा ये आप सोशल मीडिया पे बताते रहा करें, वैसे और तो कुछ नहीं, कम से कम एहसास तो दिलाते रहा। और हम ये कोशिश करेंगे कि इस मामले को तब तक उठाते रहें जब तक इंतजामिया को होश नहीं आ जाता। सी नोट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। बिल्कुल, और अब हमारे साथ हैं गिलगित बल्तिस्तान की माजिदा फहमी, जो कि बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल को रोकने के लिए और कोई स्कूल से बाहर नहीं रहेगा इस नेक काम का बेड़ा उठाए हैं, एक तंजीम चला रही हैं ताकि बच्चों को तालीम के जेवर से मुनव्वर कर सकें। माजिदा का ख्वाब है कि पाकिस्तान के हर बच्चे को तालीम हासिल करनी चाहिए और उन्हें पाकिस्तान का फ़खर होने का एजाज़ भी हासिल है, उन्हें ये अवार्ड भी दिया गया एज़ प्राइड ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त चीज़ में फिदा बिल्कुल माजिदा फहमी हमारे साथ मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट है। माजिदा शुक्रिया आपने एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा ख्वाब कैसे किया आपने, आपको कैसे ख्याल आया कि आपने बच्चों को एजुकेट करना है, उनको उनके हकूक देने, सो तो किस तरह से आपने इनिशिएट किया इस प्रॉपर कॉज को? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड बिल्कुल हमने स्टार्ट किया, मैंने अपने ही गांव से स्टार्ट किया। एंड बचपन से ही हमारे यहाँ ऐसे एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हमारे लिए ये एहसास हमारे दिलों में डाला जाता है कि हमने सिर्फ अपना नहीं सोचना बल्कि अपनी कम्युनिटी, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भी सोचना है। तो इस ख्याल ने जो है ना मेरे लिए ये ख्वाब दिखाया कि नहीं, जो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए अवेलेबल है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यहाँ सबके लिए अवेलेबल है, उन तमाम लोगों को भी जो है ना मैंने भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है सो दे कैन बी द बेस्ट ऑफ देमसेल्व्स। तो आप ये करना शुरू किया, कैसे काम कर रही हैं आप, क्या मैकेनिज्म है जिसके तहत आप काम कर रही हैं, कैसे बच्चों को स्कूल की जानिब लेकर आती हैं, ओवरऑल क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का या द टाइप ऑफ वर्क यू डू? बिल्कुल, मेरी आइडिया, माई वर्क एंड माई आइडिया हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द टाइम ना। मैंने एज अ सोशल एक्टिविस्ट स्टार्ट किया था कि यार चलो हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं कि हम उनके पेरेंट्स को काउंसिल कर लें, उन बच्चों को ले जाके स्कूल्स में पढ़ाएं। बट ओवर द टाइम आई लर्न दैट कि नहीं, इसको इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, इसको बड़ा बनाने के लिए वी नीड टू बिल्ड सम सस्टेनेबल मॉडल फॉर इट। तो अभी जो है ना हमने उसका एक सोशल एंटरप्राइज मॉडल रखा है इन विच वी आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एक माशरे का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी, उसको हम अपने सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में जो है ना हम मल्टीपल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशंस करते हैं, वी ट्राई टू पुट ऑन कैंपेन्स एंड ऑल। तो ये हमारे लिए एक जरिया है कि हम अभी टेक्नोलॉजी के थ्रू इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं ये भी जानना चाहेंगे, ऑब्वियसली आपने कहा कि आपने आगाज़ अपने गाँव से किया, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वालिदैन को सोसाइटी को कन्विंस करना कि वो अपनी बच्चियों को अपने बच्चों को स्कूल भेजें इट्स वेरी चैलेंजिंग। सो आपने उसको किस तरह से कैटर किया, क्योंकि किसी को कन्विंस करना और किसी की फैमिली को कन्विंस करना इट्स अ टास्क। बिल्कुल, जब मुझे याद है जब मैंने अपना वो जो फर्स्ट चाइल्ड था जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी, देयर वाज अ गर्ल, शी वाज अ स्ट्रीट चिल्ड्रन, लेकिन उसके साथ जब मैंने बॉन्ड बनाई और उसके पीछे स्टोरी में गई और जब फर्स्ट टाइम उसकी पेरेंट्स को हमने कन्विंस कर, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी उनके पेरेंट्स को कन्विंस करने में, मैंने अपने साथ बड़ों को भी लेके गई, मैंने मल्टीपल एग्जाम्पल्स दिए उनको, उसके थ्रू जब हमने उनको कन्विंस किया एंड दे फाइनली सेड कि ठीक है चलो हम अपनी बेटी को एजुकेशन पर भेज देते हैं, दैट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी। I felt a sense of achievement कि मैंने एक बच्चे को कन्विंस कर लिया एंड शी वॉज द फर्स्ट किड जो कि अपने घर से अपने खानदान से स्कूल जा रही थी, सो दैट वॉज रियली अ बिग अचीवमेंट। इट्स डिफिकल्ट बट वी कैन डू इट, ऑब्वियसली एंड यू डिड इट एक्चुअली। इसके लिए रिसोर्सेज भी बड़े चाहिए होते हैं माजिदा, इतना बड़ा काम है ऑब्वियसली, इट नीड्स लॉट्स ऑफ फाइनेंसेस एज वेल, कैसे मैनेज होता है ये सब कुछ?
जी जी बिल्कुल, पहले हम चैरिटी मॉडल पे ही चलते थे, लेकिन अभी हमने सोचा कि नहीं, हमने चैरिटी मॉडल पे नहीं चलना, क्योंकि हमने अपने आवाम को, अपने लोगों को जो है ना खुददार बनाना है। तो इसके लिए नाउ वी हैव रजिस्टर्ड अ कंपनी जिसमें जो है ना हम छोटी सी मिनिमल चार्जेस लेके हम जो है ना ये जो एजुकेशन है इसको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें किसी की इज्जत वो भी नहीं होती, और थोड़ा बहुत मेहनत करने का दर्श भी हम देते हैं कि थोड़ा बहुत मेहनत करें लोग और उस चीज़ को आप आगे बढ़ाएं। अभी जो मेरी कंपनी है, दो मेरी कंपनीज है, वन इज़ अ वॉइन मेरी अपनी ज़ुबान का एक वर्ड है जिसकी मतलब है रोशनी, तो वही ज़ुबान इसे कहते हैं हम। उस रोशनी को हमने इलम की रोशनी के साथ रिलेट किया है, और हम चाहते हैं कि उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसी टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हम क्वालिटी कंटेंट जो कि वर्ल्ड लेवल पे बढ़ाया जा रहा है, उसी चीज़ को हम हर बच्चे तक पहुँचाएँ, पाकिस्तान के हर एक बच्चे तक पहुँचाएँ। ठीक है, अच्छा माजदा, अभी आपने डिजिटलाइज करने के हवाले से भी कहा, एप्लीकेशन की भी आपने बात की, सो उस हवाले से भी थोड़ा बताइएगा ये किस तरह से वर्क करता है। जैसे कि आपने देखा कि कोविड 19 के दौरान तमाम हमारे स्कूल्स और अभी भी इवन कि तमाम इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए, और हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जिसके थ्रू हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। और पाकिस्तान में जो ऑनलाइन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है ये न्यू है और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से करना है। सो वी हैव मेड अ सॉफ्टवेयर, हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके थ्रू स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं वो अपने बच्चों की मॉनिटरिंग, उनकी प्रोग्रेस, उनको अपना लेक्चर डिलीवर करना, ये तमाम फंक्शन एक स्कूल की जो होती है वो डिलीवर कर सकती है। और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे भी पड़ी है, voin.co पे, वहाँ से भी आप मजीद इन्फॉर्मेशन उठा सकते हैं। और साथ में मेरी एक और जो कंपनी है जिसमें हम बिजनेसेस को हेल्प करते हैं, स्पेशली जो कोविड 19 के दौरान जो बिजनेसेस बंद हो गए क्योंकि उनको डिजिटल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स का नहीं पता था, उन प्लेटफॉर्म्स को यूज करना कैसे है ये हम सिखाते हैं मीडियम बेस्ड बिजनेसेस। एक जानिब तो हम स्टूडेंट्स के हवाले से मुश्किल की बात करें कि उनको इस तरफ लाना और फिर उनके फाइनेंस एंड ऑल, दूसरी जानिब ऑब्वियसली लोगों ने उनको पढ़ाना है, हर कोई आपकी तरह तो सोशल वर्क नहीं करना चाहेगा, ऑब्वियसली लोगों का ब्रेड एंड बटर भी है, उनको भी मैनेज करना होता है, तो क्या सारे लोग जो आपके साथ जुड़े हैं वो आपकी तरह उनके अंदर ये एंथुजियाज्म है कि ऐसे ही इसको करना है, या फिर आपका उनके लिए भी कोई फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मौजूद है, किस तरीके से मैनेज होता है, पूरा मैकेनिज्म क्या है? जी बिल्कुल, आई एम सो प्राउड ऑफ माई टीम, मेरे पास बहुत ही अच्छी और डाइवर्स टीम मौजूद है, हमारे पास पूरे पाकिस्तान के हर एक रीजन से लोग मौजूद है, हमारे साथ कनेक्टेड है, आउट टेक नेम ऑफ मोहसिन गिलानी है, अली हसन है, अदनान खटक है, ये मेरी वो टीम है जो कि अपने इंटरेस्ट्स को छोड़ के वो इस विजन के साथ कनेक्टेड है, और इस विजन के लिए फिर हम मेहनत करते हैं एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर, इसको हम एज अ चैरिटी नहीं लेते, हम इसको एज अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप लेते हैं, और इस पर हम मेहनत करते हैं, डेफिनेटली इसके लिए भी फाइनेंशियल चीज़ें मौजूद हैं, और इसी को हम बिल्ड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं अभी। अच्छा माजब, ऑब्वियसली ऑन ए लाइटर साइड, आप यू डजेंट लुक दैट मच, आप इतनी नहीं लगती कि आपकी एज बहुत ज़्यादा है और आप सोशल वर्क की तरफ आई होंगी, सो मुझे लगता है इस एज में सोशल वर्क की तरफ आना और इस तरह का काम करना आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस लेकर आता है, सो एज अ पर्सन आपने कितना चेंज फील किया, कितनी सेटिस्फैक्शन, या आपको एक पीस का एक जो एलिमेंट है वो किस तरह से आया आपकी पर्सनालिटी में? बिल्कुल, ये वाकई एक बहुत बड़ा काम होता है किसी को कुछ दे, अपने ऐसे कुछ भी हमारे पास ना हो, जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल, इवन इफ इट्स लव, व्हेन वी ट्राई टू गिव इट दैट मल्टीप्लाइज, और वाकई ये सोशल वर्क बहुत सारी चेंजेस ले आता है हमारे जहनों में, और आई वुड सजेस्ट एवरीवन की लाइफ के किसी ना किसी हिस्से में ट्राई टू डू दिस सोशल वर्क, बिकॉज इट चेंजेस योर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, कि लाइफ के हवाले से ये आपका नज़रिया बदल देता है, कि जब हम किसी और के लिए कुछ करने के लायक होते हैं तो दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग। और मुझे जो ये चीज़ मिली है इनहेरिटेड तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो मेरी कम्युनिटी है होंजा की, दे हैव गिवन मी दिस थिंग दैट वी हैव टू डू इट, हमने खुद से स्टार्ट करना है, वी हैव टू ट्राई टू गिव, देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल्स, कि कुछ लोग कहते नहीं हमें दो हमें दो हमें दो, गवर्नमेंट हमें नहीं दे रही, ये हमें वो नहीं दे रही, बट वी आर द पीपल जो हम कहते हैं कि यार हम क्या दे सकते हैं, वट वी कैन गिव, एंड दैट इज़ आई गेस आवर स्ट्रेंथ, कि हम खुद से स्टार्ट करते हैं। ये कितनी अच्छी बात है, और आपकी वाकई इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपकी अपनी कम्युनिटी हमारे पास ऐसी हैं जो लोग बहुत बड़ा काम करें। इन दी एंड मैं आपसे वो फीलिंग ज़रूर जानना चाहूँगा जब आपको एज प्राइड ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान डे कॉल किया गया स्टेज के ऊपर भी, और आपने इस पर बात भी की, हमने सुना भी आपको, क्या फीलिंग्स थी, क्या एहसास था?
बहुत ही खूबसूरत फीलिंग थी बिकॉज फर्स्ट टाइम जो है ना नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिलना इट्स नॉट एन ईजी थिंग एंड आफ्टर व्हेन यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट बिकॉज इट्स नॉट ईजी बींग अ गर्ल बींग अ वुमन एंड गोइंग आउट टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स इट्स नॉट ईजी सो आफ्टर दैट अगर आपको कोई अप्रिशिएट करता है आपको आपके काम को कोई सराहता है तो ये बहुत बड़ी एक लेवल की अचीवमेंट होती है और इसने हमें इतना मोटिवेट किया इतना बूस्ट दिया इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया कि अभी हमें लगता है कि हम वाकई जो हमने विजन सेट किया था कि यार हम हर बच्चे को एजुकेट करेंगे वो चीज़ उस चीज़ को हम पूरा कर सकते हैं बिकॉज अभी वी फील कि द नेशन इज़ विद अस कि पीपल आर मोर कनेक्टिंग विद अस और हमें खुद पे फख्र फील होता है और अपनी कंट्री पे फख्र हमें आप पे बहुत फख्र फील होता है माजदा यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पावर ऑफ एक्सप्रेसो और आपकी कम्युनिटी से हुंजा से हमें वैसे ही बहुत प्यार है हम कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा लोग आएँ एक्सप्रेसो में हम उनको यहाँ पर लाएँ दुनिया को बताएँ कि वो कितना ज़बरदस्त काम करें थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो और यहाँ पे बात और भी कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा अपने आइडियाज़ पे ट्रस्ट करें राधर देन आप उन चीज़ों से घबराएं जो आपके आइडियाज़ को डिस्टर्ब करती हैं या आपको लगता है कि इसमें कामयाबी नहीं हो सकती सो रिस्क से घबराने के बजाय अपने आइडियाज़ पे ट्रस्ट करें और आइडिया बहुत बड़ा ना भी हो छोटा भी हो लेकिन आप उस पर ट्रस्ट करें तो ऑब्वियसली आप उसको बड़ा बना सकते हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर रह के भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किरदार अदा कर सकते हैं ऑब्वियसली अपना किरदार बड़ा कर सकते हैं एज माजदा वॉज डूइंग ऐसे कई लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं और आते रहेंगे माजदा वंस अगेन थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेसो हम ब्रेक लेंगे बिल्कुल ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आप देखते रहिए एक्सप्रेसो वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो हम वापस आ गए हैं वापस आ गए हैं लेकिन मैं अभी देख ही रहा था कि ये टिकटॉक बनाते हुए कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आजकल कितने हादसे आई अग्री बहुत सारे ऐसे ट्रेन के वाकयात हुए थे कुछ लोग ट्रेन के नीचे गए थे ये सारे मामले होते हैं इस पर आज का हमारा माइंड मैटर्स है जिसमें हम बात करने वाले हैं वकार अहमद मलिक कि किस तरह से टिकटॉक बनाते हुए हादसा हो जाते हैं माइंड मैटर्स तो आप देखेंगे लेकिन हम आपसे इजाजत लेंगे इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल फीडबैक आपने हमें लाजमी देना है आप देखिए माइंड मैटर्स और आपसे थैंक यू सो मच इमरान एंड अरमला वकार साहब पिछले दो महीनों में बहुत सारे हादसे हुए हैं टिकटॉक बनाने के चक्कर में बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं जो यूथ की अगर बात की जाए पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस एप्लीकेशन और हर दूसरा बंदा जो है वो टिकटॉक पर है हम ये नहीं कह रहे कि टिकटॉक पर होना बुरी बात है या नहीं होना चाहिए लेकिन इस का इस्तेमाल जो है वो अप्रोप्रिएट यूज़ किया है क्योंकि ट्रेन से बाहर निकलते हुए भी आप अगर बना रहे हैं आप पहाड़ पे चढ़ के भी बना रहे हैं आप स्काई डाइविंग करते हुए भी अगर टिकटॉक बना रहे हैं तो दैट इज नॉट एट ऑल समथिंग जो हम इनकरेज करते हैं हम बेसिकली बात करेंगे कि ये बेसिकली हादसा होता क्यों है अब पिछले एक महीने में दो हादसे हुए एक गुजरांवाला में और एक और हादसा इधर लाहौर में किसी जगह हुआ है ट्रेन पीछे से आ रही है और वो वीडियो बना रहे हैं टिकटॉक की और वो उसकी नजर हो गई तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि टेक्निकली हम कहेंगे कि वजह क्या है कि पूरी दुनिया में जो सेल्फीज बनाते हुए हादसा होते हैं और जो इस तरह के वीडियोस बनाते हुए हादसा होते हैं उसकी जो टेक्निकल वजह है वो क्या है ठीक है अब टेक्निकल वजह ये है कि ये देखिए पहले तो ये देखें कि ये बेसिकली ये फेस है ठीक है ये बेसिकली ये नोज है ये फेस है ना अच्छा ठीक है और ये भी देखिए ये भी नोज ये लिप्स और ये थोड़ी ये भी फेस है ये दो फेस एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं आपने दो फेस आपको नजर आ रहे हैं बिल्कुल आ रहे हैं ओके फाइन अब थोड़ी देर के लिए फेसेस को भूल जाएं और ये आप देखें कि ये बेसिकली एक बर्तन है ओके ठीक है ये आपको नजर आ रहा है इस तरह बर्तन का पहले मुझे ये बर्तन ही लगा था ठीक है अच्छा अब आप ये देखें कि आपको या फेसेस नजर आएंगे या बर्तन नजर आएगा ये नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में दोनों चीजें नजर आए पूरी दुनिया में किसी बंदे को नजर नहीं आ सकती ठीक है एक वक्त में एक चीज नजर आएगी ये है हमारी वो लिमिटेशंस जिसको हम अटेंशन के हवाले से ये तवज्जो के हवाले से लिमिटेशन के एक वक्त में आप किसी एक ही जगह पे फोकस्ड होते हैं सो ट्रू अच्छा अब आप मुझे बताएं कि जब आप पीछे से इधर से ट्रेन आ रही है हाँ जी। और मैं यहाँ पे एक वीडियो बना रहा हूँ तो या तो मेरी ट्रेन की जानेब होगी अटेंशन या मेरी वीडियो की जानेब होगी मोस्टली मेरी वीडियो की जानेब होगी क्योंकि मैं वहां पे रिकॉर्ड का बटन दबाना है और वो सारा करना है जब मेरी टेंशन यहाँ पे होगी तो ये जो पीछे स्पीड है ट्रेन की मेरी तरफ आने की जो स्पीड है ये जो वक्त है जिसमें ट्रेन ने मुझ तक पहुंचना है ये टोटल मैं इग्नोर कर दूंगा या मैं उसको बेसिकली रजिस्टर्ड कर ही नहीं पा टेक्निकली मैं नहीं कर पाता ना मैं मेरी जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे होगा जैसे ही आपका अटेंशन जो स्पैन है आपका ये बहुत नैरो भी है लिमिटेड भी है और एक वक्त में किसी एक जगह पे फोकस हो सकता है तो जब ये इस पे फोकस होगा तो वो मैं ट्रेन को मिस कर जाऊंगा वो मिस वो मुझे पता तब चलेगा जब यू नो वो हादसा हो जाता है
बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप कह रही थी कि ट्रेन से बाहर लोग निकल के कर रहे होते हैं, अब मुख्तलिफ पोल्स आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीजें आ रही होती हैं, टनल आ रही है, कोई पौधा है, कोई दरख्त है, कोई वायर है इलेक्ट्रिसिटी की, कोई जनरली आप जब उसको देख रहे हैं तो आप उसको नोट कर रहे हैं कि ये टनल आ रही है, ये पोल्स गुजर रहे हैं, लेकिन जब भी आप वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका जो अटेंशन जो 100% है वो ऑक्यूपाइड हो जाएगा वीडियो की जाने, और फिर आप उसको नोट कभी भी नहीं कर सकते। हाँ जी। सेल्फीज के वाले से भी आपको पता है कितने बड़े आसार होते हैं जो बिल्डिंग्स के ऊपर और मुख्तलिफ जगहों पे सेल्फियां मना रहे होते हैं, पहाड़ों के ऊपर मुख्तलिफ जगह। अब वो किसी भी जो डेंजरस किस्म की या खतरनाक जगहों पे जब भी आप सेल्फी बनाते हैं तो सेल्फी में आपका पूरा फोकस अपने चेहरे पे, बल्कि चेहरे मुबारक, यानी आप चाहते हैं कि उसको खूबसूरत तरीन आए और वो सारा लाइट वाइट और वो तमाम चीजें, और दूसरा फिर आपने करना है उसको लाइक वो जो बटन है वो दबाना है। हाँ जी। तस्वीर खींचने के लिए तो आपका पूरा टेंशन जो है वो ऑक्यूपाइड। अब जब और फिर आप वो जो दूसरे वेरिएबल्स हैं वो तमाम के तमाम आप फरामोश कर देता है, जिसके नतीजे में हादसा हो जाता है। हादसा हो जाता है। टेक्निकली कि इट्स इम्पॉसिबल कि एक ही वक्त में दो जगह पे अटेंशन हो सके, मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से आप हादसे का शिकार हो जाते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप पीछे ट्रेन की जानब देखते रहेंगे तो डेफिनेटली आप मिस कर जाएंगे रिकॉर्डिंग के बटन को। अगर आप रिकॉर्डिंग के बटन की जानब और अपने उस तरफ देखेंगे तो ट्रेन मिस कर जाएगी, जो कुछ वो करेगी फिर मतलब ट्रेन को मिस कर देंगे। तो इसी तरह जो बिल्डिंग्स के ऊपर से मुख्तलिफ जगहों पे ये कर रहे होते हैं, सो इसको हर सूरत में इस तरह की कोई भी मतलब एक्टिविटी जिसमें अटेंशन आपकी स्प्लिट हो दो जगहों पे वो कभी ना करें। मतलब लोग पॉपुलर होने के चक्कर में पता नहीं पहाड़ से लटक लटक के वीडियोज बना रहे हैं, दरख्तों से लटक लटक के वीडियोज बना रहे हैं, हर चीज का तरीका इस्तेमाल होता है। और अगर आप एक ऐप को यूज कर भी रहे हैं तो अपनी लिमिटेशन का ख्याल रखें, अटेंशन आपकी डिविएट ना हो अगर आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ये बायोलॉजिकल लिमिटेशन है, ये एक जिसको कहते हैं ना फिजियोलॉजिकल, ये बायोलॉजिकल लिमिटेशन है, ये इंसान की तहदीदात के हैं या ये हदूद है। और सब आपके इर्द गिर्द बनती हुई कभी आपने देखी है, कोई टिकटॉक बना रहा हो बैठे और कोई लगा हो? देखिए रोड के मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह का हो रहा होता है, और मुझे मतलब आप समझ सकती है कि मैं तो परेशान इस हवाले से हो जाता हूँ कि आई नो ना कि उनका टेंशन इस वक्त किस जगह पे, और उस वक्त कोई और चीज या कोई आगे पीछे से आ गई तो इन्होंने मतलब उसने टकरा जाना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, कहने का मतलब इसको हर सूरत में ज़हन में ये बैठाएं कि ये बायोलॉजिकल लिमिटेशन है, ये इम्पॉसिबल है, आप चाहे कोई कितने ही बड़े 30 मार खान क्यों नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि टेंशन दो जगहों पे आप कर सकें, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। इस चीज का जो है एक बैलेंस होना चाहिए जिंदगी में आपका, और आप इस चीज को इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन प्रकाश साहब वाला पॉइंट के बायोलॉजिकल लिमिटेशन है, लिमिटेशन उसको ज़हन में कंसीडर करें, ज़हन में रखें उसको, कंसीडर करें। थैंक यू सो मच वकार साहब।